हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा डाउट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन में क्या कह रहा है देख लेते हैं, फिर करेंगे इसको किस तरह से हम सॉल्व करना है आगे देख लेंगे। क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। इस सेल इज फायर्ड फ्रॉम ए फिक्स्ड आर्टिलरी गन विद एन इनिशियल स्पीड यू सच दैट इट हिट्स द टारगेट ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस कैपिटल आर फ्रॉम इट इफ T1 एंड T2 आर द टू वैल्यूज ऑफ द टाइम टेकन बाई इट टू हिट द टारगेट इन टू पॉसिबल वेज दी प्रोडक्ट T1 T2 इज। क्वेश्चन आया हुआ है जे मेन 2019 में। ऑप्शंस कुछ आपको ये दिखाई दे रहे हैं लगभग लगभग आर और जी के में है ना, कुछ रिलेशन है आर और जी में है। और क्वेश्चन है हमारे पास 47। तो देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, उसमें क्या कहा था कि शेल से एक क्या हो रही है, एक बुलेट फायर हो रही है। किससे? एक कोई गन है उससे। तो हमें उसे कहा है कि दो पॉसिबल वेज हैं जिनमें क्या है कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो सेम रहेगी। तो हम बना लेते हैं दो पॉसिबल वेज। ये एक यू वेलोसिटी, उसकी यू कुछ वेलोसिटी है जिससे बता रखी है इनिशियल वेलोसिटी से। एक बार ये इस तरह से हुई, ठीक है, एक तो ये हो सकती है, ये कुछ एंगल थीटा हो गया। और दूसरा क्या हो सकता है, ये है हमारे पास आर डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आर है। दूसरा क्या हो सकता है कि ये कुछ इस तरह से हो, ये है, और ये 90 माइनस थीटा से हो, ठीक है, ये होगी, ये भी आर है, ये हमारे पास आर है। इसको क्या कहते हैं, अगर हम हॉरिजॉन्टल में देखते हैं तो ये रेंज होती है ना, रेंज कब बराबर होती है, एक बार रेंज का फॉर्मूला देख लेते हैं। ये होता है u² sin 2θ / g, ये होता है ना। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो हमें पता है कि रेंज r1 = r2 कब होती है, जब जो थीटा है θ1 और जो θ2 है, जो दो थीटा हैं वो कब वो क्या होते हैं भाई, कॉम्प्लीमेंट्री। ये कंडीशन होती है जब भी कोई दो रेंज बराबर होंगी। तो यहाँ पे यही केस है कि भाई दो ही पॉसिबल वेज हैं तो वो इसी तरह से जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो एक तो होगा ये थीटा और ये थीटा, ये थीटा वन है और एक थीटा टू है, ठीक है। तो ये मैंने, ये थीटा वन हमारे पास कितना हो गया, θ1 = θ ही रहा। और जो थीटा टू होगा वो मैंने क्या कर लिया, 90 माइनस थीटा। जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जब भी उनका क्या है, रेंज बराबर होगी। हमें निकालना है T1 और T2, मतलब कि टाइम। हमें पता है कि पूरे प्रोजेक्टर का जो टाइम क्या होता है, इसके लिए मैं T1 लिखता हूँ। तो T1 कितना हो जाएगा, 2u sin θ / g होता है ना, ठीक है, इसके लिए तो थीटा इतना ही है। और इसके लिए क्या हो जाएगा, T2 क्या हो जाएगा, 2u sin 90 माइनस थीटा, ठीक है, / g। तो ये कितना हो गया, T2 कितना हो गया, ऐसे देखते हैं, 2u cos θ / g, ठीक है, cos और sin ऑफ 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। हमें निकालना था T1 × T2, तो T1 × T2, चलो देखते हैं ये कितना आएगा हमारे पास। ये हो जाएगा हमारे पास 4u² sin θ cos θ / g, g आएगा, g स्क्वायर होगा, ठीक है, g स्क्वायर है, यहाँ तक क्लियर है। हमें क्या है, r और g में निकालनी थी। तो अगर मैं देखता हूँ हमारे पास रेंज कितनी थी, u² sin 2θ / g, तो मैं यहाँ से देखता हूँ, तो अगर देखते हैं तो 4 अलग कर लेता हूँ, एक g मैंने बाहर निकाल लिया, बचा क्या है यहाँ पे, अगर मैं देखते हैं r ने r को मैं कर रहा हूँ तो u² रहेगा एक sin 2θ, ये कब रहेगा कि यहाँ पे 2 sin θ जब cos θ होगा तभी तो होता है, क्योंकि sin 2θ क्या होता है, sin 2θ होता है 2 sin θ cos θ। होल अपॉन क्या है, यहाँ पे एक जी मैंने बाहर निकाले तो एक जी अंदर रहेगा, और यहाँ पे मैंने दो यहाँ है तो दो ही तो रहेगा, यहाँ पे टोटल तो 4 है ना मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से देख रहे हैं ये क्या है हमारे पास, अगर कुछ नहीं तो ये आर नहीं है, ये जो आपको दिख रहा था ये मैंने लिखी थी सबसे पहला फॉर्मूला यही तो है, 2u² sin 2θ sin θ cos θ / g, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ दैट्स इम्प्लाइज दैट 2r / g इज इक्वल टू T1 × T2। दैट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना था, क्या कि भाई रेंज कब बराबर होगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात की तो रेंज ही होती है, और वो कब बराबर होती है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे, ओनली ये बात थी। इसके आगे तो आपको आसानी से क्वेश्चन को कर लेना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसका सोल्यूशन मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। टिल देन बाय बाय। क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, और जो डाउट होंगे वो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, फिर वीडियो को कर देंगे एंड। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है, हमारे पास आ रहा था 2r / g, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। दैट सॉल्व फॉर दिस डाउट क्वेश्चन। क्वेश्चन था जे मेन 2019 का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय। कीप क्वेश्चन सॉल्विंग, एंड जो भी डाउट्स बनेंगे वो चैनल पर आपको मिलते जाएंगे। सो चैनल पर बने रहें। टिल देन बाय बाय।